अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्ट्रीट टू रिचेस। आज हम ये ज़बरदस्त सा फ्लावर बना बताएंगे कि फ्लावर किस तरह से बनेगा। बहुत ज़बरदस्त फ्लावर ये मैं कल जो है शॉप पे देख के आई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पसंद आया। मैं लेने के लिए गई थी लेकिन बहुत कॉस्टली था, ये 120 का दे रहा था, तो मैंने सिर्फ मतलब ये कपड़ा मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, क्यों ना हम घर में खुद बना लिए। ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने इसके जो है हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। 3 जो है इंच हमने यहाँ से लिया है और 3 इंच हमने यहाँ से लिया है। ये हमने जो है 8 पेटल्स का हम फ्लावर बना रहे हैं, ये 8 जो है हमने ब्लॉक्स बनानी है। वैसे ज़्यादातर लोग जो है जब फ्लावर्स बनाते हैं तो वो यू इस तरह से जो है चिपका लेते हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जो है जो आप स्टिच करते हो वही ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। और कस्टमर के पास भी कोशिश ये होती है कि जब कस्टमर के पास कोई चीज़ जाए तो वो जो है ख़राब ना हो। अच्छा, ये हमने था, इसको हमने ऐसे करके फोल्ड करना है। पहले ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको इस तरह से करके फोल्ड करना है। इस तरह से करके हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद अब हमने इसको स्टिच करना है। ये मैंने सुई धागा ले लिया, इसको हमने स्टिच करना है। अच्छा, स्टिच हम इस तरह से करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है यहाँ से नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारी चारों तय होंगी, जहाँ हमें पता चलेगा जहाँ पर हमारे चारों कपड़े आ रहे हैं वहाँ से हम स्टिच करेंगे। इस तरह से करके छोटी छोटी सिलाई में लेके इसको हमने इस तरह से पैटल्स बना लेनी है। इस तरह से करके हमने इसकी पैटल्स बना लेनी है। ये हमारी फर्स्ट पैटल कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम अब इसकी सेकंड पैटल भी इसको इसी तरह से करेंगे। ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया और इस पर हमने ऐसा फोल्ड कर दिया। इस तरह से करके हम सारी पैटर्न्स को कंप्लीट करते जाएंगे। अच्छा, ये अब आपके जो है ये पैटर्न सारे कंप्लीट हो गए। अब ये कंप्लीट होने के बाद अब इसको सेट कर लेंगे, कोई भी पैटर्न घूमे ना आपकी। आपने ये इस तरह सेट कर लिया है और अब आपने स्टिच जो करना है वो इस तरह से करना है जो फर्स्ट वाला पैटर्न था उसके अंदर आपने इसको निकाल देना है। निकालने के बाद आपने इसको इस तरह से करके कुछ ये देखें, फिर आपने इसको मैनेज कर लेना सारे। अच्छा, मैनेज करने के बाद आपने नीचे जो सपोर्ट देनी है वो इस तरह से देनी है। ये हमारे पास है मास्किंग टेप, ये हमारे पास मास्किंग टेप है, हमने इसके नीचे मास्किंग टेप लगा देनी है। वैसे तो फ्यूजिंग भी लगती है लेकिन फ्यूजिंग को चिपकाने में वो हो जाएगा, ये ऑर्गेन्जा है या टिश्यू पर बनाएंगे तो उसमें ज़्यादातर जो है डर होता है चिपकने का, बहुत जल्दी चिपक जाता है। और फ्यूजिंग के लिए आपको पता है कि इस्त्री को हमें वो करना पड़ता है, तेज़ जो है गर्म करनी पड़ती है। अच्छा, ये हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये हमारे पास फ्लावर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है आपने जो भी कुछ करना है वो आपने अकॉर्डिंग टू बजट पे करना है। अब ऐसा ना हो कि आप जो है बजट अपना ज़्यादा डाल दें और कस्टमर आपको कम पे कर रहा है। अच्छा, मैं इसमें ये कर रही हूँ इस तरह से करके, मैं इसमें पल्स यूज़ कर रही हूँ, पल्स के बीट्स यूज़ कर रही हूँ इस तरह से करके। ये एक पहले बड़ा एक ये बड़ा मोती यूज़ करूँगी मैं, देन ये एक छोटा, इस तरह से करके मैं इसको यूज़ करती जाऊँगी। इस तरह से मैंने इसको कुछ बीट्स लगा के जो है कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।